स्वागत है आपका रीना रसोई में। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही हेल्दी वे में बनाया है। इसमें मैंने चीनी भी यूज़ नहीं किया, मावा भी यूज़ नहीं किया है, मिल्कमेड भी यूज़ नहीं किया और ना ही दूध यूज़ किया है। तो आप आगे वीडियो में देखो कि मैंने किस तरह बनाया और इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा ही होगा। तो आप यह रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और देखिए इसका टेक्सचर टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चढ़ा दिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून के करीब घी डाल रही हूँ। घी हमारा गरम हो रहा है, तब तक मैंने ये जो आधा किलो गाजर लिया और मैंने इसे काट के इस तरह टुकड़ों में काट लिया है, ये आप देख सकते हो। और मैं इसे इस मिक्सी के ग्लास में क्रश कर लूँगी। ये देखिए मेरी पूरी गाजर ऐसे क्रश हो चुकी है, तो इसे हम एक साइड रख लेते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हमारा ये जो घी है वो गरम हो गया है, तो घी गरम होने के बाद ये मैंने थोड़ी सी किशमिश और ये काजू लिए हैं, तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट हमेशा कोई भी स्वीट्स में फ्राई करके डालो तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम फ्राई होने देते हैं, बस आधा मिनट ही लगेगा इसे फ्राई होने में। हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल देखिए आप गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इसे इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने निकाल लिया, आप आलमंड भी यूज़ कर सकते हो। अब इसी जो घी हमारा बचा हुआ है उसी में मैं ये जो गाजर है वो डाल दूंगी। मैंने अभी घी बहुत कम यूज़ किया, आप चाहो तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं बाद में 1 चम्मच डालूंगी जिससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी और अच्छा आएगा। तो 1 स्पून हम बाद में यूज़ करेंगे। हम इस तरह मिलाते हुए इसे मिला देंगे अच्छे से और उसे ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और गैस को मीडियम हाई पे ही रखेंगे। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, बीच में मैंने 1-2 बार चलाया था, तो आप देखें हमारा ये गाजर बिल्कुल अच्छे से पक गया। आप इस तरह थोड़ा सा क्रश करके देख सकते हो, और अगर ना पके तो आप 2 मिनट ढक के फिर से पका लें। फिर इसके बाद हम यहाँ पे गुड़ की जगह चीनी की जगह गुड़ लिए हैं। आप चाहो तो चीनी यूज़ कर सकते हो, या आधा कप गुड़ है, या अपने टेस्ट से आप कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो मैं इसे गुड़ डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, अदरवाइज ये नीचे चिपक सकता है। तो हम इसे कंटिन्यू इस तरह चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हो मेरा गुड़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे 1/2 कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ, वो अच्छे से डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये मिल्क पाउडर मेरा मीठा नहीं है, तो आप शुगर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रखें, या गुड़ जो भी आप डालना चाहते हो। और इस तरह ये जो मिल्क पाउडर डाला है इससे पूरा खोआ का टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसे डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैं इसमें 1/2 ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, 1/2 में रखूँगी गार्निशिंग के लिए। यहाँ मैंने 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर लिया है, तो वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और फिर से अच्छे से इसे हम मिक्स करते हैं। तो हमारा ये हलवा पूरा रेडी हो गया है, तो इसे अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। अब हम इसे एक प्लेट में इस तरह निकाल लिया मैंने, और काजू और किशमिश लगा के, या आलमंड, आप जो भी ड्राई फ्रूट चाहो उसे लगा के इस तरह आप इसे गार्निश करके सर्व करो। तो ये हलवा हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसका बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट होगा इसका, और ये कितना हेल्दी वे में मैंने बनाया है। तो आप ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें, और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।